हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। ये हमारा फाइनेंस फॉर किड्स के सेक्शन में फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पैसा क्या होता है, इसको कैसे एक्वायर किया जाता है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है और इसके बारे में क्या मिसकंसेप्शंस हैं जो लोगों को होते हैं। और इन सब के पीछे हमारा मकसद ये है कि अगर वो मिसकंसेप्शंस आपकी अर्ली एज से ही गायब हो जाएं, आप पैसों के साइकोलॉजी को समझ पाएं कि वो कैसे एक्वायर होता है, कहाँ यूज़ होता है और उसके लाइफ में इम्प्लिकेशंस क्या क्या रहेंगे, तो आप एक अच्छी तरह से अपनी लाइफ को जी पाएंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ जी पाएंगे और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि अज्यूम कीजिए आपने एक लोन लिया बैंक से और आपको पता ही नहीं है कि उसके अंदर चार्जेस क्या लगेंगे या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा, तो हो सकता है कि आप एक हायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करें। जस्ट एग्जांपल के लिए अज्यूम करते हैं कि आपने साइन कर दिया डॉक्यूमेंट्स को और उसके अंदर लिखा हुआ है कि हम कंपाउंडिंग से इंटरेस्ट लेंगे। अब आपको तो पता ही नहीं है कंपाउंडिंग से इंटरेस्ट कैसा लगता है, या रिड्यूसिंग मेथड से नहीं लेंगे, फुल अमाउंट पे ही इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो ऐसे केसेस में लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और बैंक का तो ये रोज का काम है। तो एग्जाम्पल के तौर में हम लेते हैं कि मान लीजिए कि आप एक बार बैंक में गए लोन लेने के लिए और आपको यही नहीं पता है कि क्या क्या टाइप ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब आप गए बैंक में और आपको पता ही नहीं है कि कंपाउंड लगेगा या सिंपल लगेगा या क्या बेटर ऑप्शन है, और बैंक वाले ने आपसे पूछा नहीं पूछा या डॉक्यूमेंट साइन करवा लिए, और इस केस में आपकी लैक ऑफ नॉलेज, आपकी लिमिटेड नॉलेज के कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जस्ट अज्यूम कीजिए कि अगर सिंपल इंटरेस्ट की जगह आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट लग जाए या फिर रिड्यूसिंग मेथड पे, रिड्यूसिंग बैलेंसेस पे इंटरेस्ट लगने की जगह आपको फुल वैल्यू पे, फुल लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट लगना चालू हो जाए, तो यह बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस का रीजन हो सकता है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आपको एक अर्ली स्टेज से अपने यूथ से ही ये सब नॉलेज मिलता रहे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर ये नॉलेज अवेलेबल नहीं है। आप देखेंगे तो CBSE, RBSE और ICSE में भी ये नॉलेज अवेलेबल नहीं है, मतलब फाइनेंस को सिखाने वाला कोई सेक्शन नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है। हो सकता है कि आप 11th 12th में जो आपका हायर सेकेंडरी क्लासेस रहती हैं उसके अंदर अगर आप अकाउंटेंसी लेते हैं या फाइनेंस के सब्जेक्ट्स लेते हैं तो उसके अंदर चांसेस हैं कि आपके कुछ फाइनेंस के सब्जेक्ट आ जाए, पर उनके अंदर भी प्रैक्टिकलिटी नहीं है। तो हमारा यही मकसद है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचा पाएँ, फाइनेंशियल लिटरेसी को इंक्रीज कर पाएँ। तो आज का हमारा सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है मनी। व्हाट इज मनी? तो आप सब जानते हैं कि अरे पैसा तो ये है लो, ये करेंसी है। नहीं, करेंसी ये नहीं है। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और करेंसी है वो उसका फॉर्म है। जैसे कि आज से कई साल पहले हमारे यहाँ पर बार्टर सिस्टम चलता था, जैसे कि आपके पास गोल्ड है तो आप गोल्ड देंगे और उसके बदले में कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज ले सकते थे। उस बार्टर सिस्टम का एक लिमिटेशन था कि उसमें आपका जो ट्रांजैक्शनल वैल्यू है वो आइडेंटिफाइबल नहीं था इजीली। जैसे कि अगर हम मान लो बाजार में बिस्किट लेने जाते हैं जो पैकेट का कॉस्ट है 20 रुपीज, तो 20 रुपीज इज ए इजीली आइडेंटिफाइबल एंड डिफाइनेबल थिंग। पर जस्ट इमेजिन, अगर एग्जाम्पल गोल्ड का कॉइन, अगर आपको कोई बोले कि ये बिस्किट के बदले में हम आपको आपसे गोल्ड का कॉइन लेंगे, तो उस गोल्ड को कॉइन को ब्रेक डाउन करना बहुत डिफिकल्ट है। आप कितने कॉइन लेके घूमेंगे, 10 ग्राम्स, 20 ग्राम्स, 30 ग्राम्स, ऐसे कॉइन लेके घूमना वो डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू करेंसी। सेकेंड, जो अदर देन गोल्ड बार्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ वीट सेलर, यू आर अ राइस सेलर, ठीक है, तो अगर मुझे वेल्थ एक्यूमुलेट करनी है तो मैं ऐसे वीट वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं कर सकता हूँ। रीजन क्या है कि मेरे पास लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है। अगर मैं उस गोडाउन में वीट को रखूंगा तो कितना ही रख सकता हूँ, बट अगर मैं एज ए फॉर्म ऑफ कैश या एज ए फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट रखता हूँ तो मैं एक हायर वॉल्यूम ऑफ मनी एक्यूमुलेट कर सकता हूँ। थर्ड लिमिटेशन ये है कि उसका स्टोरेज का डेप्रिसिएशन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 5 साल तक गेहूं रख लिए तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेप्रिशिएट होगा, मतलब सड़ेंगे, पर मनी के केस में वो ऑप्शन, वो प्रॉब्लम नहीं है। जो रियल करेंसी है वो डेप्रिशिएट नहीं होगी। ओके ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस डेफिनेशन की जरूरत क्या पड़ी, मतलब हमें मनी की जरूरत क्या पड़ी। तो मनी एक मीडियम की तरह यूज होने लग गया एक्सचेंज के मीडियम के रूप में। ओके, अब इसका कंसेप्ट इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे मनी का इवोल्यूशन हुआ
मनी के अराउंड चीजों का इवोल्यूशन हुआ, मनी के अराउंड फ्रॉड्स का इवोल्यूशन हुआ और मनी के अराउंड स्टम्प्स का इवोल्यूशन हुआ. ओके तो जैसे जैसे मनी का इवोल्यूशन हुआ, इसके अराउंड टर्म्स का इवोल्यूशन हुआ और इसके अराउंड फ्रॉड्स का भी इवोल्यूशन हुआ और मल्टीपल कंसेप्ट्स का इवोल्यूशन हुआ. एग्जांपल के लिए देखते हैं हम इंटरेस्ट इनकम. आपने कभी ना कभी शायद हो सकता है बैंक में डिपॉजिट किया हो या सेविंग बैंक इंटरेस्ट पे आप इंटरेस्ट कमाया हो आपने, तो उसमें भी दो काइंड ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट प्लस इफेक्टिव यील्ड. ओके सो हो सकता है बैंक वाले आपको बोले कि हम तो आपको 8.5% इंटरेस्ट दे रहे हैं, पर वो नीचे लिखेंगे कि ये तो हमारा इफेक्टिव यील्ड है. नाउ इफेक्टिव यील्ड इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल इंटरेस्ट रेट विच यू आर एक्चुअली गेटिंग. हो सकता है आप 7% इंटरेस्ट ही पा रहे हो, पर बैंक वाले उसको 8.45 की तरह एडवर्टाइज कर रहे हैं क्योंकि है दोनों इंटरेस्ट ही, पर उसकी डेफिनेशन अलग है. क्लियर है? तो इसलिए ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है और ये हम अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं अमंग द यूथ्स, अमंग द न्यू जनरेशन ऑफ आर कंट्री, कि वो सीखें इस बारे में और इसको और प्रमोट करें. क्योंकि जब आप सीखेंगे, आप फ्यूचर हैं इस कंट्री का, जब आप सीखेंगे तभी आप अपने आप को फाइनेंशियल फ्रॉड से बचा पाएंगे और जो मनी टेररिज्म है उससे आप अपने आप को सेफ गार्ड कर पाएंगे. आप खुद तो सेफ कर पाएंगे, आपकी फैमिलीज को और आप सोसाइटी को भी इसमें सेफ गार्ड कर पाएंगे. तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं. आज हमने सीखा कि मनी क्या है और इस वीडियो में हमारा लक्ष्य क्या है, मतलब इस पूरी सीरीज में हम आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं, उसके पीछे हमारा लक्ष्य क्या है. आने वाले वीडियो में हम डेडिकेटेड कॉन्सेप्ट्स लेंगे. फॉर एग्जांपल हम आपको सिखाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं और इनको क्यों समझना जरूरी है. सिमिलरली ऐसे हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लाएंगे और आपके सामने प्रेजेंट करेंगे. अगर आपको कोई भी सवाल है इस वीडियो के बारे में तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं. हम आपके फीडबैक्स को भी बहुत वेलकम करते हैं. हम चाहते हैं कि आप हमें भी इंप्रूवमेंट के सजेशंस दें, इसलिए आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमें इंप्रूवमेंट सजेस्ट कर सकते हैं और हम डेफिनेटली उस पर आने वाले वीडियोस में काम करेंगे. इसके अलावा अगर आप भी चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर हम डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको दें, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे. तो आज के लिए इतना ही. इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ नॉलेज जो आप एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं उन्हें वो करें और वो आपको एक्सप्लेन करें. ऐसा नहीं है कि आप सारे नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है. जब आप उनको सिखाएंगे तो दो बातें वो भी आपको सिखाएंगे. तो इसलिए इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, इवन अडल्ट्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं. क्योंकि जिस हिसाब से इंडियन एजुकेशन सिस्टम चलता आया है उनमें भी ये नॉलेज लैक करती है. मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस से वो लोग ये सीख जाते हैं, पर अगर डायरेक्टली आपको मिल रहा है सीखने तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट उठाना चाहिए. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.